हेलो स्टूडेंट, जावा के एमसीक्यू का ये आपका 10th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले आपने अगर सारे देखे हैं तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। ठीक है, तो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, क्या एग्जाम में आ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गिवन डेट स्टूडेंट इज ए क्लास, हाउ मनी रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय फॉलोइंग को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने रेफरेंस वेरिएबल है, कितने ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें आप न्यू करके जो है एलोकेशन कर देते हो। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल वो होते हैं जिसमें एलोकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे जो है यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, यहाँ जो है स्टूडेंट आईडी करके क्रिएट हुआ। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल में फिर इसने जो है ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो एक रेफरेंस वेरिएबल, दो रेफरेंस वेरिएबल ये हुए हमारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से हैं। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया गया, दो ऑब्जेक्ट यहाँ, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना, दो ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पर, यहाँ स्टूडेंट क्लास एक ही है। तो यहाँ पर देखो, तीन रेफरेंस वेरिएबल हो गए और दो न्यू हमने किया तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्री रेफरेंस वेरिएबल एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक, नेक्स्ट ये पूछा, ये चलिए ये आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज ए वैलिड सिंटैक्स टू सिग्नाइज द हैश मैप। ठीक है, तो हैश मैप आपका जो होता है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही आता है। तो इसको करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कोड यूज कर हो रहा होता है यहाँ पर, कलेक्शन डा सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज मैप, हैश मैप। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका थर्ड पे। ठीक है, एरे लिस्ट, या एरे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, तो एरे लिस्ट में जो इनिशियल क्वांटिटी कितनी की होगी, वो तो इनिशियल जो क्वांटिटी होती है एरे लिस्ट की वो 10 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में 10 इनिशियल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल क्लास इन जावा। म्यूटेबल क्लास मतलब होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग को अल्टर्ड किया जा सके। जैसे मैं अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जैसे सेट कैर ऐड करके फंक्शन होता है, जैसे इंसर्ट के लिए होता है, डिलीट के लिए होता है, रिप्लेस के लिए होता है, रिवर्स के लिए फंक्शन होता है। मतलब उसको ऑब्जेक्ट को जो है वो अल्टर्ड किया जा सके, उसके वैल्यू को अल्टर्ड किया जा सके, तो वो आपका जो होता है वो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होता है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के थ्रू जो है ये एक्चुअली म्यूटेबल क्लास है। अगर आप अगर नॉट म्यूटेबल बोलते हैं तो आपका स्ट्रिंग क्लास होता है वो म्यूटेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम अब वो क्या है, तो यहाँ पर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मैथड रखा है। एब्स्ट्रैक्ट मैथड को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसमें करेगा मैथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय द क्लास। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, तो ऐसा क्लास जिसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ऐसे ऐसे मेथड जो किसी क्लास में जो है डिक्लेयर हो लेकिन डिफाइंड सब क्लास में हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो है आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में प्राइवेट या फिर स्टैटिक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, प्राइवेट, स्टैट और स्टैटिक, और एक और चीज होगा वो फाइनल। ये तीनों तीनों आइडेंटिफायर आप जो है, इस एक्सेस स्पेसिफायर आप जो है यूज नहीं कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इतना ज्यादा ज्ञान आपने ऑलरेडी लिया होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, तो बस मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा था। व्हाट इज द मीन्ड बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं टाइटली कपल्ड। ठीक है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है तो टाइटली कपल्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहाँ पूछ रहा है, एक एरे बनाया है, एरे में 1 से लेकर 10 तक वैल्यू असाइन की है और यहाँ पर आई इक्वल टू 0 किया, आई लेस देन वाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वाई कहीं भी यहाँ पर देखो कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो वाई डिक्लेयर नहीं, तो सबसे पहली बात है ये एरर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाई डिक्लेयर होता तब आउटपुट आता है कुछ, अगर डिक्लेयर नहीं है तो कुछ आउटपुट नहीं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर 10, 11, 15 कोई कुछ नहीं आने वाला है, ये वाई डिक्लेयर ही नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पर एरर आ जाएगा कि वाई इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट आपका जो है JDBC का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है। एक्चुअली ये आपका सिलेबस में होगा होगा नहीं, लेकिन देख लो, विच आर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट वुड एग्जीक्यूट द स्टोर्ड प्रोसीजर, गेट गेट पासवर्ड। तो प्रोसीजर क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, डेटाबेस में जो है हम जस्ट प्रोसीजर बनाते हैं, उस प्रोसीजर जस्ट समझो सिमिलर टू द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है कि हम सेट ऑफ एलिमेंट को रखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन अपना काम कर रहा होता है। तो अभी जैसे अगर मैं डेटाबेस हमने पढ़ा होगा, तो डेटाबेस में देखा होगा कई सारे कमांड होते हैं, सेलेक्ट कमांड हो गया, आपका इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है, बहुत सारे कमांड वहां पर होते हैं। अब होता क्या है, मान लो एक कोई ऑपरेशन करना है, तो एक ऑपरेशन में जरूरी थोड़ी ना कि केवल एक ही कमांड यूज हो रहा होता है, हो जाता है उसमें सेट ऑफ कमांड यूज हो रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे सिनारियों के लिए क्या करते हैं, हम स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर में फायदा क्या होता है कि हम एक बार में ही पूरा का पूरा कॉल कर सकते हैं, प्लस वो बहुत ज्यादा उसके थ्रू हम जो है कई सारे टेबल में भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, तो कई सारे एडवांटेज अलग होते हैं उसके, ठीक है। तो बस ये तो स्टोर प्रोसीजर जस्ट सिमिलर टू फंक्शन, ठीक है। तो अगर डेटाबेस आप पढ़ रहे हो तो एक्चुअली PL SQL का पार्ट होता है, में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, क्योंकि आजकल जो भी कंपनी में जो वर्क होते हैं वो जनरली स्टोर प्रोसीजर पे ही वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, जब डेटाबेस आगे सेमेस्टर में था डेटाबेस ही आप लोग का, तो डेटाबेस आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली मैं इसको बता दूँ सर, जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका 3 वाला है, ठीक है। सी में ही आपका जो है यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो होता है कॉलेबल स्टेटमेंट कैप करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल करके यहाँ पर मैंने जो है इस प्रोसीजर को, ये गेट पासवर्ड जो शो प्रोसीजर था कॉल किया यहाँ पर, और कैप एग्जीक्यूट क्वेरी, मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। यही आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। मे भी आपके भी अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा, JDBC का पार्ट है ये, आपका जो है आगे मे भी अगर एडवांस जावा पढ़ते हो तो उसमें आप इसी चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी थ्रेड कैन बी एग्जीक्यूटेड एट टाइम, तो थ्रेड कितने थ्रेड एक टाइम एग्जीक्यूट करते हैं कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है मल्टीपल थ्रेड, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि एक ही होंगे दो ही होंगे, जितना आप कर सको ना कर सकते हो, ठीक है। इफ थ्री थ्रेड ट्राइंग टू शेयर अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, विच कंडीशन विल राइज इन दिस सिनारियो। तो होता क्या है, जैसे अब सिंपल सी बात है, अब एक बंदा है, मतलब 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग अगर सेम बुक को पढ़ना चाहेंगे तो अब ऐसी बात है, तीनों लोग सेम बुक को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अब जैसे आप तो ठीक है, आप एज ए ह्यूमन आप समझते हो, ठीक है, उठा कर देख लेंगे, साथ साथ पढ़ के पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे मान लो सिंपल कोई एक रिसोर्स है, सेम लोग जो है उसको यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे सिनारियों में क्या होता है, डेड लॉक जो है अगर होने के चांस होते हैं, और इस सिनारियो को जो बोलते हैं वो रेस कंडीशन बोलते हैं। मतलब रेस मतलब किसी एक चीज के लिए 3 लोग रेस लगा रहे हैं, लेकिन मन मिल किसी को नहीं रहा है, या ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये होती है। तो जब सेम सेम रिसोर्स को मल्टीपल यूज लोग यूज करना चाहते हैं, या मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल प्रोसेस यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, रेस कंडीशन अगर होती है, ये आगे चल कर डेड लॉक का कारण बन जाता है। डेड लॉक मतलब क्या होता है कि जहां पर आप मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, लेकिन वो आपस में वो उनका काम ही नहीं कंप्लीट हो पाता, मतलब सब बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि हमको मिल जाए। मान लो कोई बात है कि मतलब एक रिसोर्स है, किसको दिया जाए डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि 3 को जरूरत है, ठीक है। तो इसको इसको डेड लॉक को खत्म करने के लिए भी बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, तो चीज़ें अलग कॉन्सेप्ट है, बस समझ लो ये आपका रेस करने से। मे बी अगर आप OS पढ़ रहे होगे तो आपको मालूम होगा डेड लॉक क्या होता है, कैसे इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपने OS में तो पढ़ा ही होगा, आई थिंक, ठीक है। तो इसको रेस करने से बोलते हैं। इफ ए थ्रेड गोज टू स्लीप, अगर थ्रेड सो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा कि इट रिलीज ऑल द लॉक इट है। तो लॉकिंग क्या होती है, लॉक मे अगर आप OS पढ़ोगे तो लॉक लॉक का आपको मालूम होगा, ये भी आपका थ्रेड लॉक से बचने का भी एक जुगाड़ होता है कि कैसे लॉक लॉक करना। ऐसे बहुत सारे रीड लॉक राइट लॉक होता है, जैसे मान लो एक बंदा कोई राइट कर रहा है तो किसी और को जो है उस रिसोर्स पे राइट करने का परमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके कई सारे लॉक होते हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है, अगर कोई थ्रेड सो रहा है तो स्लीप मोड में है, तो वो जो है उसको कभी भी जो है जितने लॉक होते हैं उसको रिलीज नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो लॉकिंग आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो है OS में तो पढ़ाया गया होगा लॉक क्या होता है, ठीक है। Which are the following modifier can be used for a variable so that it can be accessed by any thread or a part of a program? तो इस जो ये variable होता है जो किसी thread द्वारा access है, तो उसको बोलते हैं volatile, ठीक है, volatile variable। तो इसका correct answer आपका हो जाएगा volatile।
नेक्स्ट व्हाट इज द आउट व्हाट इज द रिजल्ट पूछा, रिजल्ट क्या वहां पर होगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला यहां पर देखो, तो यहाँ पर एक क्लास, यहाँ पर जो है क्लास बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, यहाँ पर एक थ्रेड बनाया गया, थ्रेड एफ इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया, उसके बाद यहाँ प्रिंट किया गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, तो यहाँ पर क्या किया गया, ए प्रिंट किया गया। उसके बाद यहाँ पर वेट कराया गया हंड्रेड, तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या लिखा, प्रिंट ए एंड बी विथ विथ ए दो, एक्चुअली सेकंड यहाँ पर नहीं होता, या आपका माइक्रो सेकंड होता तो 1000 सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो गलत ही है, बिल्कुल गलत है। इट ओनली प्रिंट ए एंड एग्जिट, ठीक है। इट ओनली प्रिंट बी देन एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ बी होगा तो ए तो होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो यहाँ वेट है, ठीक है, वेट हमेशा और हमेशा या तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में होना चाहिए या फिर ट्राई एंड क्लॉक कैच में इसको रखना चाहिए। उसके अगर आप नहीं रखते हो तो 100% ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ए विल बी प्रिंटेड, ठीक है, ए विल प्रिंटेड देन एन एक्सेप्शन इज थ्रो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेट जो है आपका ट्राई कैच ब्लॉक में होना चाहिए या सिंक्रोनाइज जो है ब्लॉक में होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन यहाँ मैच नहीं करती, इसी कारण जो है ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नेक्स्ट, इन ए करेक्टर स्ट्रीम ए सिंगल रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म, तो सिंगल जो रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, एक टाइम में दो बाइट रीड और राइट करता है, ठीक है। तो ये आपका 2 byte यहाँ पर आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट इनकोडिंग फॉर एन आउटपुट स्ट्रीम राइटर, ठीक है। डिफॉल्ट इनकोडिंग क्या होता है, तो डिफॉल्ट इनकोडिंग हमेशा डिपेंड करता है होस्ट पे। होस्ट मतलब बोलते हैं कि जिस ऑपरेटिंग, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको चला रहे हो, जिस टाइप का आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जिस आर्किटेक्चर कंप्यूटर है, हमेशा उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या करता है, डिफॉल्ट इनकोडिंग इनकोडिंग ऑन द ऑफ द होस्ट प्लेटफॉर्म, तो जिस ओएस पे चला रहे हो उसका जो डिफॉल्ट इनकोडिंग है उस पर ये हमेशा उसका डिफॉल्ट इनकोडिंग वही होगा, ठीक है। तो इसमें केवल 15 ही क्वेश्चन थे। तो अगर चैनल सॉरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब को चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करके रखें, मेहनत करना हो इतना थोड़ा बहुत तो कुछ तो बनता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।